हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर द लेक। सो फाइनली आज हम निकल रहे हैं गाइस। जब हम जहाँ जाने के लिए निकले थे, मैन हमारा ड्रीम राइड, जो मेरा जो इस सीरीज का मैंने नाम दिया हूँ, चल चले लद्दाख। सो फाइनली वो दिन आज आ ही गए। सो आज हम जा रहे हैं लद्दाख यहाँ से, श्रीनगर से। और अभी जो टाइम हो रहा है गाइस, अभी का टाइम देख रहे हो 5:27। सो अभी का वेदर 18 डिग्री, और हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ 10 डिग्री, 5 डिग्री तक, 1 डिग्री तक अभी जाने वाले। और 18 से 16 डिग्री में हमारा हालत थोड़ा ख़राब हो चुका है, मतलब इतना ठंड लग रहा है। सो पता नहीं आगे क्या होगा, जो भी होगा देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्विकली रेडी होते हैं, क्योंकि हमें 5 o'clock तक तो निकलना था। अब टाइम हो गया 5:30, नाउ टाइम टू लीव दिस बोट हाउस एंड रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टे हेयर। एंड सागर भी अभी उठाए, हम 4:30 से 4:30 से अलार्म लगा रहे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे सीरियसली, क्या इतना ठंड लग रहा था। चलो फटाफट से क्विकली अब रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। चलो बाहर इतना ठंड है गाइस, ये सब मैंडेटरी चीज़ें, बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं गाइस। गाइस नाउ टाइम फॉर लीव, शिकार आ चुका है हमारा, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो इसीलिए सो थैंक यू सो मच यहाँ वासिम भाई को, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी हमारा ख्याल रखा, काफ़ी अच्छा था यहाँ पे हॉस्पिटलिटी गाइस। अगर आपको आना है तो मैं नंबर दे दूंगा इनका, और यहाँ का एड्रेस भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा गाइस। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, ठीक है ना, मिलेंगे जल्दी, ठीक है। चलिए भाई हमारा, हाँ है, आ गया शिकार। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया है, आधा घंटे से ये अंकल रुके हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता नहीं, पूरा अंधेरा है, पूरा मतलब अभी भी उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सागर क्या करते हैं, इतना भागा भागे क्या है, होपफुली हम सब ले ही चुके हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, और एक हार्डली 100 मीटर होगा यहाँ से लेकर वो हमारा बोट हाउस तक जाने के लिए गाइस। तो यहाँ पे मोहम्मद उसफ जी बैठे हैं, और जो हमें सुबह सुबह लेने आए थे, थैंक यू मोहम्मद। बाइक हमारा पार्क है वहाँ पे, और बाइक लेते हैं गाइस। तो बाइक लेके आ चुके हैं हम लोग पार्किंग से, तो यहाँ पे खड़े करें अभी। यहाँ पे सबसे मेन जो डिफ़िकल्ट है टास्क है, वो अपना लगेज लोड करना। सो देख रहे हो थोड़ा सा फोग भी आ चुका है यहाँ पे, तो कोई नहीं, फटाफट से इसको पैक को लोड करते हैं। ओके गाइस, नो टाइम फॉर लीव। सो बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट में रख दिया था, तो सब पैक हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे गाइस। आज का जो है डेस्टिनेशन, जैन सर मैं बैंगलोर ही नहीं, मतलब बैंगलोर से है पर असम से मैं हूँ, या उड़ीसा से, हाँ वो हम जॉब करते हैं वहाँ पे। ओके जी, अभी ले जा रहे, जम्मू से आए, जम्मू से। सो अच्छा लगता है यहाँ पे जवानों लोग से बात करके, और काफ़ी सपोर्ट है यहाँ के जितने भी हमारे जवान है गाइस, सीरियसली काफ़ी प्यार से बात करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, इवन यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे गाइस। काफ़ी जहाँ हम रुके थे होटल में, काफ़ी खातिरदारी किया था उन्होंने, काफ़ी मतलब ख्याल रखा था। जब भी मैं गर्म पानी मांग रहा हूँ, कभी कुछ भी मांग रहा हूँ, वो ला के दे देते, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। एंड रियली आई मतलब काइंड ऑफ वार्म वेलकमिंग था उनका, मतलब एंड पुलिस वुलिस का सबका सपोर्ट मिलेगा गाइस, कुछ डरने का बात नहीं है। आप बिंदास आओ यहाँ पे श्रीनगर जम्मू एंड एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन जम्मू एंड श्रीनगर, श्रीनगर। सो टाइम फॉर लीव, काफ़ी लेट टाइम था निकलने के, 5 बजे, पर 6 बजे, पर 7 बज चुका है। ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश। 1 2। सो गाइस निकल गए हम फाइनली वो रोड के लिए जो सपने देखे थे मैंने शायद 4-5 साल से, एंड फाइनली आज जाके वो पूरा होने वाला है, लद्दाख। सो यस लद्दाख, सो हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है अभी 418 किलोमीटर यहाँ से, एंड
टाइम बता रहा, रीचेबल टाइम 4:19 फॉर आफ्टर 2 आवर्स, और 2-3 घंटे का लेते हुए तो 6 से 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। नॉट बैड। सो आई थिंक जो हमें बीच में पासेस मिलेंगे जोजिला पास एंड कारगिल, सोनमार्ग होते हुए हम जाएंगे शायद। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है, वाओ। सो मिलता हूँ गाइस, थोड़ा प्यास लग रहा है, कहीं रोका आता है, पहले पानी पीते हैं हल्का फुल्का, 5 मिनट का ब्रेक, अगर कहवा मिला तो कहवा पियेंगे। सुबह निकलने का एक सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप जल्दी थोड़ा सा जो मतलब रोड कवर कर सकते हो। अभी 6:50 हो गया है, 6:40 तो हम छोड़ दिए थे अपना डेस्टिनेशन, ठीक है। सो फाइनली जाके फिर पेट्रोल फिर मिला, एक ऑलरेडी पहले मिला था उसमें पेट्रोल नहीं था। ओ सेठ यार, ये भी बंद है, ओ नो यार, मुझे सिटी से भराना था और आई थिंक सागर का तो चल जाएगा, चल तो जाएगा ये, और 30-40-50 किलोमीटर आई थिंक जितना पेट्रोल है इसमें, तो दिख नहीं रहा है पेट्रोल पम्प। और एक अभी जाके नेक्स्ट जो पेट्रोल फिलिंग दिख रहा है नागपाल फिल्म में है, पता नहीं कितना किलोमीटर में। फाइनली गाइस मिल गया पेट्रोल, होपफुली पेट्रोल बस पेट्रोल मिल गया यार। अब यहाँ पेट्रोल भरेंगे हम, उसके बाद जाएंगे हम। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 108 रुपया श्रीनगर पे, और पेट्रोल फुल कर लेते हैं यहाँ पे, हो जाएगा। सो 1034 का आज फिल हुआ है क्योंकि रिजर्व में भी ऑलरेडी बहुत चल गया था इसीलिए। और आप श्रीनगर से अगर गाइस ले कर जा रहे हो ना, तो 10-15 किलोमीटर के बाद में आपको पेट्रोल पंप काफ़ी मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने 3-4 और अच्छे बड़े बड़े पेट्रोल पंप देखे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सो गाइस, मेरा जो है GoPro का बैटरी डाउन हो चुका था, तो चेंज करने के लिए जस्ट रुका था, तो चेंज कर दिया हूँ। अब हम लोग हैं नेशनल हाईवे में गाइस, अभी मैं सोनमार्ग वाले रोड में हूँ। सो यहाँ से ले है 395 दिखा रहा है, कारगिल है 169, द्रास है 112, पालताला 65, सोनमार्ग 650 किलोमीटर, अभी सोनमार्ग गुड 27 किलोमीटर। तो हम अभी जो है सोनमार्ग में जगह रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से द्रास से आई थिंक ज़्यादा नहीं है। हम अभी है नेशनल हाईवे 1 पे गाइस, सीरियसली बोलता हूँ, ये जो कलर दिख रहा है ना मेरी आंखों के सामने से, मतलब बयां नहीं कर सकता, इतना प्यारा सा लग रहा है ना, सीरियसली गाइस आओ सोनमार्ग एक्सप्लोर करो, सोनमार्ग के रोड को एक्सप्लोर करो। कहते हैं कि अगर आपको बर्फ़ दिखना है थोड़ा सा, तो अप्रैल में आओ, अप्रैल मई में आई थिंक थोड़ा सा बर्फ़ दिखेगा, मार्च अप्रैल में। और आपको अगर इस तरह का स्कैनिक व्यू दिखना है जो कि मतलब बर्फ़ तो नहीं और ज़्यादा ठंड भी नहीं मिलेगा और हल्का रहेगा, तो सितंबर अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम गाइस। फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हो ले के लिए, अगर सोच रहे हो कि कैसा किया जाए, तो आई थिंक सितंबर अक्टूबर ये भी सही रहेगा। एंड जम्मू टू श्रीनगर, उसके बाद ले वाला राइड करने का कारण ये भी है कि गाइस एक्लिमेटाइज होने के लिए ईजी हो जाएगा, नहीं तो मनाली के लिए हमारा प्लान था, तो वहाँ से थोड़ा सा हमें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा अपने बॉडी के साथ में कर सके प्रॉब्लम, तो हमने इससे पहले हमने जम्मू और श्रीनगर सेलेक्ट किया। तो यहाँ जाएंगे तो लेह में हम एक्लिमेटाइज हो जाएंगे एक दिन। वादियों को देख के नहीं लग रहा है इसकी खो जाए, गाना सा याद आ रहा है, ओके हम एक्चुअली ये शुरुआत है, अभी आप ऐसा दिखने को मिलेगा। थैंक यू सूरज देवता, इस तरह से हमें आपका प्रकट बनाए रखने के लिए। यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप आ रहे हो फैमिली के साथ गए तो यहाँ रुक सकते हो। इन वादियों के साथ में ये है आइसलैंड रिट्रीट बोल के है, रेस्टोरेंट है। और अभी देखते जाने का, बाइक लेके नहीं जा सकते, बाइक यहाँ रख के आपको वो ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा। वैसे ये रख के तो जिले जा सकता हूँ, पर खुला नहीं लग रहा है मुझे अभी। देखो मेरे राइट साइड में कैंपिंग लगाया हुआ है पूरा, और लिटरली गाइस इस तरह का कैंपिंग में, ये देखो यहाँ पे, और देख रहे हो वहाँ पे कैंपिंग लगाया हुआ है लिटरली। काफ़ी अच्छा लग रहा है कैंपिंग को देख के, मन है और एक दिन ज़रूर करेंगे कैंपिंग। और यहाँ पे अगर कुछ रुक के खाने को मिल गया तो यहाँ खाएँगे, रुकेंगे बस। तो अभी हम जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेड ऑमलेट बोला है, कोला भी खा लेंगे, और कहवा आ गया है, गर्म पानी भी बोलाऊँ पीने के लिए, नॉर्मल पानी। अब जाके थोड़ा जान में जाना आ सकता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे। और नज़ारे कुछ इस तरह है कि ये जो नदी देख रहे हो ये सिंध नदी है। और सो सागर कैसा लग रहा है? राइट अच्छा है क्या? GoPro काम नहीं कर रहा है?
यार ये तो मैं गोप्रो का इसका कमांड से ये थोड़ा परेशान हो रहा है, तो ये हल्का हल्का गोप्रो का ये कमांड को उसको शायद नहीं समझ पा रहा है क्या। तो यहाँ पे आ चुका हमारा ब्रेड ऑमलेट और कावा, ब्रेड ऑमलेट वहाँ भी सागर का भी आ चुका है और यहाँ पे बनाना तो खाऊंगा एक दो बोलाऊँ और हाँ तो बोलो। तो अभी हमें लद्दाख पहुँचने के लिए यहाँ से अराउंड तो 5 बजे का दिखा रहा है ऐसे मैप के हिसाब से, पर हम 7 बजे पकड़े तो जहाँ भी होगा धीरे धीरे जाएंगे, नज़ारे का लुक जाएंगे। सागर बोल रहा है कि सिंधर नदी है, सिंधर नदी पे जाना है, क्यों सिंधर नदी जाना है, टच करके आना है एकदम सिंधर नदी पे हाथ लगा के आएगा, ठीक है जा। और मैं बोल रहा हूँ जाके आराम आ जा और मैं यहीं पर रहूँगा। तो गाइस अभी ऐसे हमने निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे सोनमार्ग को विजिट करके। अगर आपको आना है गाइस तो आप आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ है करने के लिए सोनमार्ग में। यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर है, अगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे सीधे निकल जाएंगे ले के लिए। तो देखते हैं अगर कहीं ब्रेक लेना है कारगिल में तो लेंगे, द्रास में लेंगे, ठीक है चलो फिर मिलता हूँ जल्दी। और गाइस अगर आपको सोनमार्ग में भी रुकना है ना, अगर श्रीनगर में नहीं रुकना है तो सोनमार्ग में यहाँ पे ये होटल है, कॉटेज सब है, यहाँ भी रुक सकते हो, बिल्कुल पहाड़ों से एकदम नीचे ही है और यहाँ काफ़ी कॉटेज है रुकने के लिए सोनमार्ग में भी, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। रुक जा भाई, ये रुक जा, इतना काला धुआं क्यों फेंकता है यार। सोनमार्ग जो है ये जम्मू और कश्मीर के एक्चुअली एक लोकमान्य टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ एक्चुअली ये आई थिंक सी लेवल से 2740 मीटर इसका ऊंचाई है गाइस। और जनवरी में गाइस ये बर्फ़ से एक्चुअली मोस्ट पहाड़ जो है पूरा घिरा होता है ये गाइस। और ये सोनमार्ग शहर जो बोलते हैं गाइस जोजिला दर के पहले मतलब ये आता है, इसके बाद जोजिला जो पास है वो आएगा। सोनमार्ग का मीनिंग्स है सोने का मैदान, इसके नाम से सोनमार्ग रखा गया है। स्लो चलाएंगे क्योंकि आर्मी का जो है कौन भी जा रहा है आ रहा है, तो हम उनको धीरे धीरे जाएंगे। तो चले जाएंगे उसके बाद निकलते, काफ़ी आर्मी कौन भी आ रहा है। सलूट सर, सलाम सर, सो प्राउड फील होता है सर को देख के ऐसा जो है। रुक जाइए आप लोग, अगर देखते हो तो ऐसा कौन भी तो उनको जाने दें। काफ़ी मन था मेरा आर्मी में जाने का गाइस, काफ़ी इमोशनल फील हो जाता हूँ देख के इनका कन्वे को देख के, वाव फील होता है, वाव जस्ट वाव फील होता है जब ये देखता हूँ ना आर्मी का कन्वे, ग्रेट से फील होता अपने मन में, मतलब देश की मतलब प्रदीप इतना प्यार मतलब इनके अंदर है। अभी मेरा सपना था, मेरा सपना, इमोशनल हो जाऊँगा अभी। अभी हम लोग गाइस नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो रहा है। तो शायद आगे कुछ काम चल रहा है तो इसके लिए रुका गया थोड़ी देर के लिए। मैं अंदर में 2 थर्मल लगाया हूँ, उसके ऊपर जो इनर थर्मल है जैकेट का वो लगाया हूँ, और तब भी ठंड हवा मतलब शरीर जो है ना ठंड हो रहा है। सागर कैसा एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल? नहीं नहीं अभी आएगा जोजिला, आया नहीं अभी तो। हाँ हाँ, या श्योर श्योर, थैंक यू। समझदारी चीज़ नहीं है यहाँ पे किसी को, समझदारी हो जाती थी तो ऐसा नहीं होता था। देखो जाम लग गया हमें, अब एक एक को सफा करके, यहाँ तो एक को रोकना था, यहाँ तो दूसरे को निकालना था, पर नहीं दूसरे को भी जाना है, उसको भी जाना है। पहला पास कर ले, अच्छा
यहाँ जोजी द्वारा हिमालय का एक प्रमुख द्वार है गाइस। और ये जोजिला मतलब है, जोजी मतलब द्वार, हिमालय का जो एक प्रमुख द्वार है, और ला मतलब द्वार है, शब्दों का अर्थ एक ही है मतलब, इसलिए इसको जोजिला बोलते हैं बोलते हैं, जो भारत का लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। नया टीप लगाया ग्रास में, रुक गया।